देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। नेक्स्ट नाइन न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए यहाँ पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इस वक्त जो उठापटक चल रही है वो थमने का नाम तो नहीं ले रही है, लेकिन अंदरूनी सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो आपको आकर बता दे। तो यहाँ पर सामने जो बातें आ रही है उसको बता दे कि एकनाथ शिंदे मातोश्री में जा सकते हैं। यानी कि यहाँ पर बता दू कि उद्धव ठाकरे ने मातोश्री को एकनाथ शिंदे को इन्विटेशन दिया था अपने मातोश्री में आने का। इसके साथ ही आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों ने ये बात कही थी कि कहीं ना कहीं जितने भी बागी विधायक और जितने भी सांसद हैं वो मातोश्री में आ सकते हैं, उनके लिए खुला रास्ता है। यानी कि अगर देखा जाए तो बागी तो यहाँ पर एकनाथ शिंदे भी थे, क्योंकि एकनाथ शिंदे ही यहाँ पर समर्थकों के साथ और सबसे ज्यादा विधायक और सांसदों को लेकर 40 विधायक और 12 सांसदों को लेकर अलग होते हुए नजर आए थे। यानी कि कहीं ना कहीं आज भी उद्धव ठाकरे ये चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे अपने गुटों के समर्थन के साथ उद्धव ठाकरे के पास आ जाए। इसलिए यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को यहाँ एक अपॉर्चुनिटी दी है और कह सकते हैं कि उनको एक सामने से ये प्रस्ताव रखा है कि आप मातोश्री में आइए, बैठ कर बात कीजिए और जो सुलह करनी है आप वो सुलह कीजिए। देखिए यहाँ पर खैर ये तो वक्त बताएगा कि आखिरकार मातोश्री में जाकर एकनाथ शिंदे क्या फैसला लेते हैं, क्या बयान देते हैं और क्या बात सुनाते हैं अपने गुट को लेकर और उद्धव ठाकरे गुट को लेकर। लेकिन यहाँ पर जो सोचने वाली बात ये है कि अगर एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के पास आ जाते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं लेता है आगे आने वाले समय में, तो शायद मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे के अधिकतर विधायक उद्धव ठाकरे के पास आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं बता दूं कि एकनाथ शिंदे मातोश्री तो जाएंगे, लेकिन वहां जाकर क्या बात करने वाले इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। लेकिन यहाँ पर अंदरूनी सूत्रों से जो खबर आ रही है वो ये बता सकते हैं कि एकनाथ शिंदे अगर मातोश्री में जाते हैं तो जरूर कोई बड़ा फैसला होना है, क्योंकि यहाँ पर इंतजार हो रहा है सिर्फ कैबिनेट विस्तार का। जिस दिन कैबिनेट मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा महाराष्ट्र के, उस दिन दूध का दूध और पानी का पानी साफ होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि यहाँ पर बता दूं कि कितने सारे मंत्री विधायक और सांसद ऐसे हैं जो अभी दिखा रहे हैं कि शिंदे गुट में है, लेकिन जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उस दिन वो शायद उद्धव गुट में होते हुए नजर आएंगे। खैर ये आने वाला समय बताएगा कि आखिर कितने विधायक और कितने सांसद शिंदे गुट के पास रहते हैं और कितने उद्धव गुट के पास रहते हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज के साथ। धन्यवाद।